आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। इसके लिए हमने इस कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से 3/4 कप उड़द की दाल और 1/4 कटोरी राजमा, पूरा एक कटोरी दोनों चीज़ें मिला के रात को अच्छी तरह धो के इनको हमने भिगो दिया था। अब इसको दोबारा से अच्छे से वॉश करके इसका पानी फेंक दिया और हम इसमें नया पानी ऐड करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड करना है क्योंकि हम इसको ओपन में बनाएंगे, स्लो फ्लेम पे, कुकर को बंद नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए हींग, एक चम्मच कसूरी मेथी, 2 बड़े टमाटर जिनको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, 8 से 10 गार्लिक क्लोव जिनको हमने ग्रेट कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, और 2 से 3 होल रेड चिली, और बाकी सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली, धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो इसके लिए अब हमने इसमें ये पानी ऐड कर लिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालेंगे, और जो ये रेड चिली है, होल रेड चिली, इसको भी हम इसी के बीच में ऐड कर देंगे, और ये आधा जिंजर, आधा गार्लिक इसी में ऐड करेंगे, आधा हम तड़के में ऐड करेंगे। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। पहले हम इसको हाई हीट पे बॉयल होने तक पकाएंगे, उसके बाद जब बॉयल हो जाएगी तो फिर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अब हमने दूसरी तरफ तड़के को तैयार करना है, तो इसके लिए हमने ये 1 कड़छी घी लिया है। हमने यहाँ देसी घी लिया है क्योंकि हम इसमें बटर नहीं यूज कर रहे, तो तड़के में देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग, और जो हमने अदरक और लहसुन आधे रखे हैं उसी को हम इसमें पहले रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अब ये हमारा रोस्ट हो गया जिंजर और गार्लिक। अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट जो हमने ऐड किया है वो डाल देंगे। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, और साथ ही हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1/4 स्पून कश्मीरी रेड चिली, 1/4 स्पून गरम मसाला, और इसको हम सिम पे भूनेंगे, और जब इसमें घी छोड़ने लगेगा तब तक भूनेंगे। हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया, अब हम इसमें ये कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसका गैस बंद कर देंगे। इधर हमारी दाल भी काफ़ी पक चुकी है, अभी थोड़ा और टाइम इसको लगेगा, तो इसी तरह हम इसको कम सेक में हिलाएंगे और ऐसे पकाएंगे। आपको इसमें पानी बीच में और भी ऐड करना पड़ सकता है, तो आप इसमें और भी पानी ऐड अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारा तड़का भी रेडी है और हमारी दाल भी पक चुकी है। अब हम इसको दोनों को मिक्स कर देंगे।
दाल हमारी बन चुकी है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये दाल हमारी बनकर तैयार है, इसको आप चपाती, राइस, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप ये दाल बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।